हेलो, आप सभी का कक्षा 10 विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 12 विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप सभी विद्युत से परिचित हैं, घरों में आप स्विच ऑन करते हैं आपका पंखा चलने लगता है, स्विच ऑन किए आपका बल्ब जलने लगता है। ये किसके कारण होता है? ये विद्युत के कारण होता है। विद्युत का अनेक जगह आप लोग उपयोग करते हैं, अपने घरों में, अपने स्कूल में, विद्यालय में, आप तमाम फैक्ट्रियों में, शहरों के स्ट्रीट लाइट वगैरह, अन्य तमाम संसाधनों में, अन्य तमाम जगह आप लोग विद्युत का उपयोग करते हुए देखे होंगे। इस विद्युत के अध्याय में आज इसके अंतर्गत हम लोग बहुत ही अभी इनिशियल चीज पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम विद्युत धारा का मापन किस तरह करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत के प्रभावों के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले विद्युत जानते हैं कि ये विद्युत क्या होता है। अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि स्विच ऑन किया और हम लोग ने उपयोग किया तो पंखा हमारा चला, लाइट हमारी जली, हीटर हमने जला लिया, प्रेस से हमने कपड़ा प्रेस किया, ये तमाम तरह से आप इसका उपयोग करते हैं। अब ये जो तमाम तरह से आप इसका उपयोग करते हैं तो ये क्या करता है? ये एक बहुत उपयोगी ऊर्जा है। इस उपयोगी ऊर्जा का हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसकी परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि विद्युत विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। तो इस तरह से हम अपने सुविधा के अनुसार इसको विविध उपयोग के लिए एक ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, यह आपका विद्युत है। अब ये जानते हैं कि ये विद्युत बहती कैसे है, विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं। जैसे आप एक सेल लीजिए, तार ले लीजिए, एक छोटा सा बल्ब लीजिए, तार को बल्ब से होते हुए सेल के टर्मिनलों से जोड़ दीजिए, आप देखते हैं आपका बल्ब जलने लगता है। ये जो तार आपने जोड़ा है उसमें से होकर धारा का प्रवाह होता है। जिस बंद परिपथ से होकर के जो तार आपने जोड़ा है उसमें से होकर के जैसे धारा का प्रवाह हुआ तो उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूस लगातार ये धारा आपकी बह रही होती है, वो विद्युत परिपथ कहलाता है। अब देखिए, जैसे एक विद्युत परिपथ का छोटा सा रूप यहाँ आपको दिखाया गया है। देखिए, ये एक सेल होता है। यदि सेल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। ये जो बड़ी लाइन होती है ये प्लस टर्मिनल को और जो छोटी लाइन होती है ये नेगेटिव टर्मिनल को ये प्रदर्शित करता है। और जब हम सेलों का संयोजन करते हैं तो सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। यहाँ ये एक बैटरी दिखाई गई है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इससे एक तार के साथ हम एक बल्ब को जोड़ते हैं, बल्ब से फिर तार होता हुआ यहाँ आया, ये एक अमीटर है। आगे अभी हम जानते हैं कि अमीटर क्या है। और एक प्लग की एक कुंजी हमने जोड़ा और इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये जो आपका फिगर तैयार होता है इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ये विद्युत परिपथ है जिसमें ये धारा की दिशा दिखाई गई है और धारा इसमें ये प्रवाहित होता है। तो हम क्या कह सकते हैं विद्युत परिपथ को, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का इसमें लगातार प्रवाह हो रहा है और इसके जो पथ को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत परिपथ कह सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा जल की धारा, वायु की धारा, इन सबसे आप परिचित होंगे। धारा का मतलब वहाँ प्रवाह हो रहा है, जैसे नदियों में धारा का प्रवाह होता है। तो नदी में जो जल है वो कुछ सेकंड में आगे बढ़ता है, मतलब प्रवाहित हो रहा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कि धारा है।
बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया ये विद्युत धारा के लिए भी होता है। विद्युत धारा में प्रवाह क्या होता है? प्रवाह के लिए आवेश होता है। आवेश किस में प्रवाहित होता है? ये परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है, उस सुचालक तार में आवेश का प्रवाह होता है, और इसी के प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब प्रति सेकंड, एक सेकंड में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, एक सेकंड में जो आवेश का प्रवाह होता है, इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का बहुत ही सटीक सा हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इसके प्रवाह दर को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश ये विद्युत धारा कहलाती है। अगर समय एकांक है, प्रति सेकंड एकांक समय में या प्रति सेकंड समय में आवेशित जो प्रवाहित जो आवेश होता है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रकट करते हैं, आई से ये प्रदर्शित करते हैं। प्रवाहित आवेश, जो आवेश परिपथ में प्रवाहित हो रहा है उसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आई बराबर हम क्यू बाई टी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। विद्युत धारा का मात्रक ये देखते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक कैसे हम जानेंगे? क्यू आवेश का मात्रक, ये क्यू आपका आवेश है तो आवेश का मात्रक लिखते हैं, बटा टी आपका क्या है? समय है, तो बटा समय का मात्रक। आवेश का मात्रक इसे क्या कहते हैं? कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। ये जान लीजिएगा, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड है। कूलाम बटा सेकंड, कूलाम बटा सेकंड, इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। तो इस तरह से विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। यही एम्पियर की परिभाषा भी हम इसी रूप में दे सकते हैं। एम्पियर की परिभाषा आइए यहाँ से जानते हैं। स्टैंडर्ड परिभाषा आप लोग मानक रूप में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ इस सूत्र के अनुसार इसकी परिभाषा दी जा रही है। क्या है? एक एम्पियर बराबर क्या हो गया? एक कूलाम यहाँ से, और बटा एक सेकंड। एक एम्पियर को हम 1A लिख सकते हैं, एक कूलाम को 1C लिख सकते हैं, और एक सेकंड को 1S लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। मतलब एक सेकंड में एक कूलाम आवेश का अगर प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? एक एम्पियर होगा। एम्पियर के अन्य छोटे और बड़े मात्रक भी हैं, तो छोटे ही मात्रक हैं। छोटे मात्रक में आपका मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर ये 10^-3 एम्पियर के बराबर होता है। ऐसे ही एक माइक्रो एम्पियर हम लिख सकते हैं, एक माइक्रो एम्पियर ये 10^-6 एम्पियर के बराबर होता है। अब थोड़ा सा ये देखा जाए कि जैसे विद्युत धारा की दिशा होती है, जैसे नदियों में आपने देखा होगा हमेशा इसका प्रवाह पश्चिम से पूरब की तरफ होता है ना। यहाँ का जो ढलान है वो इस तरह से है कि पश्चिम से पूरब की दिशा में नदियों का जल प्रवाह होता है, जल की धारा ऐसे बहती है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से विद्युत धारा की भी अपनी दिशा होती है। जैसे यहाँ इस परिपथ में दिखाया गया, इस परिपथ में एक चीज़ तो ये आप जान लीजिए कि जो सेल या बैटरी के टर्मिनल्स हैं, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये वाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह दिखाया गया है। तो क्या दिखाया गया है? प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी बंद परिपथ में सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और आप ये जानते हैं कि सभी पदार्थ ये इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इसकी दिशा के विपरीत ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है,
या यूं हम कह सकते हैं कि धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में होता है। धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या इलेक्ट्रॉनों मतलब ऋण आवेशों के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब विद्युत धारा का हम लोग मापन कैसे करते हैं? विद्युत धारा का मापन करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ आपको बताया गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम परिपथ में विद्युत धारा का मापन करते हैं, और हमेशा जिस परिपथ में विद्युत धारा का मापन करना होता है उसमें इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव से और इसका नेगेटिव सेल के नेगेटिव से ही जोड़ते हैं। परिपथ में ये श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है। परिपथों में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आज हम लोगों ने विद्युत धारा के मात्रक और विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा को किस उपकरण से नापते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम लोग वैद्युत विभवांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।